खान खरीदी को लेकर सियासत बढ़ती ही जा रही है और इसी बीच राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर केंद्र ने धान नहीं खरीदा तो कोयला देना बंद कर देंगे। उनसे खास बातचीत की है स्वराज संवाददाता रूपेश गुप्ता ने। 13 नवंबर से केंद्र सरकार के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार दिल्ली कूच करने वाली है और इसमें मुख्यमंत्री समेत प्रदेश के सभी मंत्री शामिल होंगे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रदेश के राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल साहब हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ तैयारी है, किस तरह से जाएंगे और क्या संदेश देकर के आप लोग देना चाहते हैं? 13 तारीख को हमारी प्रदेश सरकार के मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के संगठन के लोग, प्रदेश अध्यक्ष, विधायक, सभी लोग हजारों की संख्या में हम लोग यहाँ से रवाना होंगे। यहाँ से नागपुर, नागपुर से भोपाल होते हुए दिल्ली जाएंगे और 15 तारीख को हम लोग दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ जो रवैया अपना रही है और छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव कर रही है, जो किसानों का अहित सोच रही है, किसानों के हित में जो फैसले हमारी सरकार ने लिए हैं, उन फैसलों में वो विपरीत दिशा में जाके और छत्तीसगढ़ का पुल का जो चावल है वो खरीदने के लिए मना कर रही है, तो हम लोगों ने इसीलिए दिल्ली में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है और हम लोग दिल्ली जाएंगे। और अगर इसके बाद भी वो नहीं मानते हैं तो हम लोगों का ये भी फैसला है, प्रदेश अध्यक्ष ने घोषणा की है कि हम जैसे कोरबा से कोयला प्रोडक्शन होता है भारी मात्रा में, जो केंद्र के अन्य प्लांटों में भी जाते हैं, पूरे प्रदेशों में भी जाते हैं, तो हम उसका कोयला पानी बंद कर देंगे। तो ये सभी जो अडानी की माइंस है, दूसरी माइंस है, सब जगह रोक दिया जाएगा? नहीं, कोरबा में तो अडानी की माइंस नहीं है, मैं तो कोरबा की बात कर रहा हूँ अभी, और बाकी जो भी फैसला होगा सब जगह उसको उसी ढंग से लागू किया जाएगा, लेकिन कोरबा में हम लोग रोक देंगे। ये तय, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे जय सिंह अग्रवाल, मंत्री राजस्व छत्तीसगढ़, जो साफ ये कह रहे थे कि अगर केंद्र नहीं माने तो कोरबा से कोयला जाने नहीं दिया जाएगा। इससे पहले मोहन मरकाम कह चुके हैं कि जो आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी, यहाँ की मिनरल्स जो है दूसरे स्टेट्स में जाते हैं, उसको रोकने की बात कर रही है कांग्रेस। कैमरामैन जगन्नाथ तात्रपुर से रूपेश गुप्ता, महाराष्ट्र में।